Hello, learners. Welcome to Common Classes. And here myself, I am going to represent about the most recently added in the unit 2, post-positivism. And in the previous lecture, I have discussed about the positivism. So basically, we have understand with the examples in this slide. So if you follow me on an academy, so there are also live free lessons are available. So I have myself Komal, and I am also a Google Scholar, work as a assistant professor and verified educator on Academy. And this is all about the paper 1 research aptitude for the NTA NEC JRF 2020. So let's begin the class. So in a today lecture, we have discussed about the post-positivism. And the post-positivism basically belongs to a positivist theory. So before going ahead, I have explained all the terms briefly in a previous lesson. So basically, जो positivism की theory थी वो क्या इसको किसको कहते थे epistemology को believe करती थी. Epistemology में हम truth को find करते थे. Truth को find करने के लिए हम knowledge लेते थे और वो knowledge कहीं से भी हो सकती है, चाहे वो truth जो भी सत्यता निर्धारित करने के लिए हम knowledge gain करते हैं वो knowledge कहीं से भी आ सकती है और उसी knowledge पे हम believe करते थे. उसकी मैंने 3 stages वहाँ बताई थी. Stages थी, पहली थी theology, मेटाफिजिक्स पे, और लास्ट में हम पॉजिटिविज्म की थ्योरी पढ़ते थे. तो उसी पे बेस्ड पे आगे जो अमेंडमेंट किए गए उस पे बेस्ड है पोस्ट पॉजिटिव थ्योरी. तो बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी एक फिलोसफी थ्योरी है, सोशल साइंस रिलेटेड करती है. इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जितनी भी मेटा थ्योरेटिकल स्टैंसेस होते हैं जो पॉजिटिविज्म को बिलीव करते थे, उनके एक पार्ट आगे हम बताएंगे कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है बाय यूजिंग दी रॉक सॉलिड जनरल लॉज. ये जनरल लॉज ही बताते हैं, क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट जो है वो क्या साइंटिफिक एक प्रक्रिया को प्रारंभ करते ही एक ट्रुथ पे पहुंचता है. बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, वो सिर्फ अपने फिफ्थ सेंस का यूज करता है, सिक्स्थ सेंस का यूज नहीं करता है. ठीक है, फिफ्थ सेंस से मतलब है कि जो भी ट्रुथ हमको मिल रहा है, जो भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आ रही है और उस नॉलेज को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस पे बिलीव कर रहे हैं. तो वो नॉलेज क्या है, हमारे फिफ्थ सेंस पे ही वर्क करती है. हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी अलग से चीजें उसमें नहीं एड करते हैं, राइट. सो बेसिकली इसका रिसर्च में क्या रोल है, तो अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म के एग्जाम्पल से कंपैरिजन करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है कि जैसे सपोज नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है, गॉड में बिलीव करता है, राइट. सो गॉड में बिलीव करना, इसका कोई एक साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, इसका एक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप गॉड में बिलीव क्यों करते हो, क्योंकि हर एक रिलीजन के अकॉर्डिंग वो अपने गॉड में बिलीव करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो एंड सिख हो. तो इसके लिए उनके बिलीव करने का कोई एक आधार होना चाहिए कि उनके थियोलॉजी ये कह रही है कि धर्मशास्त्र हमारे कि जो भी पुराने टाइम पे ऐसा ये हुआ था, भगवान प्रकट हुए थे, ये सारी चीजें हैपनिंग हुई थी. तो वो सारी चीजें जो है वो थियोलॉजी के अंदर आती है. पोस्ट पॉजिटिव इसी को ही प्रूव करती है कि हम गॉड में बिलीव करते हैं तो देर इज एग्जिस्ट गॉड. बट अगर हम साइंटिफिक मैनर में इसकी बात करें तो साइंटिफिक कोई भी प्रूफ नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट है या नहीं है. ठीक है, तो रिसर्च में बेसिकली जब भी रिसर्च की जाती है तो ये क्रिटिक्स और अमेंडमेंट के ही थ्रू ये रिसर्च बताई जाती है कि हाँ किसी भी रिसर्च पर्सन या ऑब्जेक्ट पे आर्ग्यू किया है, थ्योरीज की है, पोस्ट पॉजिटिव अप्लाई किया है. ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, इन फिलोसफी मॉडल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी पोस्ट पॉजिटिव ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट एमेरिफिज्म इज अ मेटा थ्योरिटिकल, मेटाफिजिक्स से ही वर्ड लिया गया, मेटा थ्योरिटिकल स्टैंड दैट क्रिटिक्स एंड अमेंड पॉजिटिविज्म. ओके फ्रेंड्स, तो जो मैंने अभी बताया उसमें एक वर्ड में आप उसको याद कर सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिविज्म में आप क्या कर रहे थे, आप थियोलॉजी का यूज करके कुछ ना कुछ ट्रुथ पे बिलीव कर रहे थे, राइट, साइंटिफिक यूज कर रहे थे. बस पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऐसा नहीं है. पोस्ट पॉजिटिविज्म हमें क्रिटिक्स को यूज करते हुए ये सारी चीजें करनी पड़ती है. तो इसी में एक वर्ड निकल के आता है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है, एपिस्टेमोलॉजी में पहली चीज तो हम ट्रुथ फाइंड आउट करते हैं, नॉलेज लेते हैं एंड बिलीव करते हैं. अब ये जो नॉलेज है, ये जो ट्रुथ निकल के आ रहा है, ये जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं वो हम कहीं से भी निकाल के ला सकते हैं और उस पर बिलीव कर सकते हैं. मतलब जो नॉलेज का जो बेस है वो क्या है, ट्रुथ है. और ट्रुथ से क्या निकल के आता है, बिलीव. कि मैंने अभी बोला कि देयर एग्जिस्ट गॉड,
ये हमारे पास एक नॉलेज है, नॉलेज क्या निकाल रही है, ट्रुथ को, मतलब कि हाँ सत्य है, ये बात एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, और फिर उस पे हम बिलीव करने लगते हैं। ओके, तो पॉजिटिविज्म थ्योरी यही कहती है कि जो भी ह्यूमन की नॉलेज है, वो जो भी प्योर असेसमेंट है उस पे बेस नहीं कर रही है। हर एक का अपना इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, इंडिविजुअल ओपिनियन, कोई कोई गॉड गॉड को बिलीव कर रहा है, कोई किसी गॉड को बिलीव कर रहा है, बट सब पूरी ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी को बिलीव कर रही है। ये नहीं है कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो किसी ना किसी से बिलीव नहीं करता हो, कुछ सुपर नेचुरल पावर से बिलीव करती है और कुछ नहीं करती है, राइट? तो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस यही होते हैं कि हम जो थ्योरी निकाल के लेके आते हैं, तो वो हम उस पर बिलीव करने लगते हैं, राइट? एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रिलेटिविज्म, मतलब हम इसको रिलेटिव नहीं बोल सकते कि ये एक जगह से दूसरी जगह, रिलेटिविज्म पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, ये जनरली जो है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ पे बिलीव करती है। सो देर आर बेसिकली थ्री टर्म्स ऑफ द पोस्ट पॉजिटिविज्म। पहली हमने एपिस्टेमोलॉजी भी बात कर ली, दूसरी होती है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी में हम सपोज, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे बेस्ट एग्जाम्पल शायद नहीं मिलेगा आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे। तो ऑन्टोलॉजी का सबसे जो बेसिक एग्जाम्पल होता है, सपोज आप एक रोबोटिक मशीन को ले लो, राइट? रोबोटिक मशीन को आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, जिसने उसको बनाया है वो इंस्ट्रक्ट करेगा, एंड उसमें एक फीड की गई है, एक लैंग्वेज फीड गई है, जिस लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड करेगा एंड दे वो इंटरप्ट करेगा, राइट? तो पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या हो कि जो भी हम चॉइसेस हैं, जो हम चॉइसेस हैं वो इतनी ज्यादा रख लेते हैं कि सामने वाला बंदा जो है उसके अकॉर्डिंग ही अंडरस्टैंड करता है और उसको ही अप्लाई करता है, ठीक है? क्या वो रियली एग्जिस्ट करती है? बट पॉजिटिव थ्योरी में ये नहीं था, पॉजिटिव थ्योरी में ये था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो रियलिटी पे एग्जिस्ट कर सकता है, वो बिलीव कर सकता है, बट इम्परफेक्टली, राइट? बट यहाँ पे परफेक्टली बिलीव करना है कि सपोज ऑन्टोलॉजी में मैंने ब्रैकेट में देखिए लिखा है, डू विल मेक फ्री विल चॉइसेस। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि सपोज अगर हम किसी को कि हमें कोई भी चॉइस एक बोल दी जाए कि हाँ ये चॉइस हमको लेनी है, और वो फिर कुछ टाइम पीरियड बाद ये चॉइस है, छोटे बच्चों की आदत होती है ना कि वो बोलते हैं कि ये चॉइस, थोड़ी देर बाद वो चॉइस, फिर ये चॉइस, तो क्या वो अपनी चॉइसेस को किसी ऑर्डर में कर, वो अपनी चॉइसेस को परफेक्टली बोल रहे हैं, और उनकी डिमांड जो है कई बार पूरी भी होती है, कई बार नहीं होती। तो यही ऑन्टोलॉजी थ्योरी बताती है कि जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फीड है, और वो फीड हम क्या कर रहे हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? देन आता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी बेसिकली, एक्सियोलॉजी का जब भी आप वर्ड सुनेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू वैल्यू से रिलेटेड करेंगे, वैल्यू एंड बिलीफ। एक्सियोलॉजी जो टर्म है वो पोस्ट पॉजिटिव वर्क करती है कि हम कैसे उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करें और उससे बिलीव करें। जैसे सपोज आपको कोई एक वर्ड दिया जाता है और आप उसको इंटरप्रेट कर लेते हो अपनी डेफिनेशन में, और उस इंटरप्रिटेशन को आप क्या करते हो, बिलीव करने ले जाते हो कि आपको कोई एक 2 + 2 = 4 निकाल के दिया, तो दैट इज आपने एक थ्योरी बना ली है कि 2 + 2 = ऑलवेज 4। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि 2 + 2 अगर हम इसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करें तो कुछ और आंसर आ सकता है? तो जब ये इस तरीके की जो वैल्यूज स्टडी की जाती हैं और उससे बिलीव किया जाता है रिसर्च प्रपोजल्स में, तो इस टाइप की जो स्टडी को कहते हैं एक्सियोलॉजी, ठीक है? तो आप आगे बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म पे बेसिकली, पॉजिटिविज्म अभी मैंने जस्ट बताया था क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ में, क्योंकि वहां पे साइंटिफिक प्रूफ था। जब भी साइंटिफिक प्रूफ की बात आएगी तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच की बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिविज्म के लिए। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम क्या कर रहे थे, इसमें अमेंडमेंट कर रहे, क्रिटिक्स पे बात कर रहे थे, तो क्वालिटेटिव, ठीक है? फिर पॉजिटिविज्म क्या होता है, साइंटिफिक होता है, एक प्रूफ एक मेथड होता है। जैसे केमिस्ट्री लैब में मैंने एग्जांपल भी वहां क्लास में बताया था कि अगर केमिस्ट्री लैब में कोई भी आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे एक थ्योरी आपको दी जाएगी और उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही आपको वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। बट पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम ट्रुथ पे बिलीव करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव निकल के आया दैट इज ट्रुथ। अब वो कैसे निकल के आया ये हम बिलीव नहीं कर रहे। ये पॉजिटिविज्म जो होती है वो रियली एग्जिस्ट करती है, मतलब क्यों, क्योंकि अगर जैसे डॉक्टर्स लोग हैं तो वो किसी भी
चीज पे ऐसे ही बिलीव नहीं कर लेंगे जब तक वो उसका ट्रुथ फाइंड आउट नहीं कर लेंगे. बट नॉर्मल ह्यूमन बींग क्या होगा, वो अगर किसी ने एक कोई बोला सेंटेंस, उससे ट्रुथ निकल के आ गया, उसने देख लिया कि हाँ सावन के दिनों में सांप दूध पीते हैं ऐसा बोला जाता है, तो वो र्यूमर्स हो जाएगी. हाँ क्रिटिक्स तो बिलीव कर लेंगे, यस भगवान दूध पी रहे हैं और सांप दूध पी रहा है, ये हो रहा है. तो मतलब हिंदूज में बहुत सारा ये क्रिटिक्स होता है. तो पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी वो निकल के आती है. एपिस्टेमोलॉजी होती है पॉजिटिविज्म में, कि हम ट्रुथ निकालते हैं, हाउ टू स्टडी अबाउट द ट्रुथ, हाउ टू स्टडी अबाउट द नॉलेज, हाउ टू स्टडी अबाउट द बिलीफ. बट इन पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम एम्पिरिकल इंडिकेटर्स होते हैं. एम्पिरिकल इंडिकेटर्स मतलब जिसके थ्रू हम ट्रुथ पता लगा रहे हैं, वो हमें थ्योरी निकाल के देनी है. सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी. एंड सबसे पहले ये जो थे फर्स्ट फिलोसफर थे थिंकर, लॉजिकल और पॉजिटिविज्म की थ्योरी इन्होंने दी थी. इनका नाम था सर कार्ल पॉपर, और इन्होंने ही ये फॉल्सिफिकेशन दिया था कि डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द लॉजिकल एंड पोस्ट आइडिया ऑफ वेरिफिकेशन दिया था. उसके बाद रॉबर्ट डबिन ने इन्हीं ने एक अमेंडमेंट किया था, डिस्क्राइब किया था कि कंपोनेंट्स क्या क्या होने चाहिए पोस्ट पॉजिटिव थ्योरी पे, और उसी लॉजिकल टर्म को इन्होंने यूनिट्स का नाम दिया था, यूनिट्स एंड आइडिया ऑफ द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसी को ही इन्होंने बाद में, क्योंकि कई सारी होती है ना कि एक रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम आती है, फिर कई सारे रिसर्चर्स उस पर आगे एक स्टेप रिसर्च करते हैं, इसी को रिसर्च बोलते हैं. तो उन्होंने लॉज दिए थे और जो भी थ्योरी इन्होंने पॉपर ने दी थी लॉजिकल थ्योरी, उसी ने अब एक अमेंडमेंट करके स्टेप इन्होंने लॉज निकाले थे, बाउंड्री ऑफ बाउंड्रीज फॉर दी दैट थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म. तो फ्रेंड्स आज का लेसन बस यहीं एंड करते हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और फॉलो कर लीजिए मुझको अन अकेडमी पे. एंड आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है ये. तो सारा ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और वहां जाके प्लीज 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 एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये लेसन जो है वो रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं कोर्स में, और मैं आपके लिए ये सब लेके आ रही हूँ कंटिन्यूअसली. तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे फर्दर लेसन को देखने के लिए, डाउनलोड कर लीजिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.